Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, students. I hope you all are fine. This is lecture number 3 of unit number 3 and I am your teacher Laiba Faisal. Hamare unit number 3 ka naam hai Animals and How They Live aur aaj hum uske 3 topics discuss karenge: Insects, Fish and Birds. Learning objectives are: students would be able to recognize that insects, birds and fish have different parts. आज हम अपनी बुक का पेज नंबर 43 और 44 डिस्कस करेंगे. लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि वाइल्ड एनिमल्स और टेम एनिमल्स क्या होते हैं, इन दोनों के डिफरेंस देखे थे और ये देखा था कि ये जंगलात में रहते हैं और ये इंसानों के साथ रहते हैं और इनसे हमें बहुत ज़्यादा फायदे भी होते हैं और ये हमारे लिए ख़तरे का बायस भी बन सकते हैं. इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हम मुख्तलिफ जानवरों से क्या क्या फ़ायदे हासिल करते हैं और हमने ये भी देखा था कि हमें मुख्तलिफ जानवरों का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. देखें, आपको अपनी स्क्रीन पर 3 जानवर नज़र आ रहे हैं, डॉग, कैट और एलिफेंट. इसमें आप देखें, अब आपको इनके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स एक जैसे लग रहे हैं, सेम बॉडी पार्ट्स आपको कौन कौन से, जैसे इसकी आई, इसमें भी डॉग के पास भी 2 आईज हैं, एलिफेंट के पास भी 2 आईज हैं, कैट के पास भी 2 आईज हैं, ये सेम बॉडी पार्ट्स हैं ना इनके. इसी तरह 2 ईयर्स इसके पास हैं, 2 ईयर्स इसके पास हैं, इसके पास भी 2 ईयर्स हैं, सेम हैं. इसके अलावा टेल है डॉग के पास भी, एलिफेंट के पास भी और कैट के पास भी. इसी तरह डॉग के पास नोज है, कैट के पास भी नोज है, लेकिन एलिफेंट के पास उसकी जगह ट्रंक है. ठीक, यहाँ पे डॉग में भी माउथ है, कैट के पास भी माउथ है और एलिफेंट के पास भी माउथ है, तो बहुत सारे पार्ट्स इनके सेम हैं. लेकिन अब हम देखेंगे कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स और फिश, इनके बॉडी पार्ट सेम नहीं होते. अब आप देखो इनको ज़रा गौर से, बर्ड्स में, फिश में और इंसेक्ट्स में इनके कितने सारे बॉडी पार्ट्स चेंज हैं, ये आपस में बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं. बर्ड्स हम कहते हैं परिंदों को, इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़े मकोड़ों को और फिश तो मछली. ठीक है, तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके पास कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं. इंसेक्ट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स. इंसेक्ट्स बहुत छोटी जानदार चीज़ें हैं. हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा है ना, तो इंसेक्ट्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं. ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. सारे इंसेक्ट्स के पास 6 लेग्स होती हैं. ये देखें आप, यहाँ पे आपको जितने भी इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं उनकी 6 लेग्स हैं. इंसेक्ट्स विद विंग्स कैन फ्लाई. ऐसे कीड़े मकोड़े जिनके पास पर होते हैं वो उड़ सकते हैं. इंसेक्ट्स विदाउट विंग्स डू नॉट फ्लाई. जिनके पास पर नहीं होते वो नहीं उड़ सकते. जैसे आप देखें मक्खी जो है उसके पास पर होते हैं तो वो उड़ सकती है. इसी तरह मच्छर के पास भी पर होते हैं तो वो भी उड़ता है, लेकिन चींटी के पास पर नहीं होते तो वो नहीं उड़ती. द टू लॉन्ग पार्ट्स ऑन द हेड ऑफ द कॉकरोच आर कॉल्ड फीलर्स. अब आपको कॉकरोच के सर के ऊपर जब भी आप देखते हो तो इस तरह से 2 लंबे लंबे पार्ट्स नज़र आते हैं, लॉन्ग पार्ट्स आपको नज़र आते हैं इसके सर के ऊपर. ठीक है, इनको हम कहते हैं फीलर्स या इनको हम एंटेना भी कहते हैं. फीलर्स आर आल्सो नोन एज एंटेनी, यानी फीलर्स को हम एंटेनास भी कहते हैं. इंसेक्ट्स यूज देम टू सेंस थिंग्स अराउंड देम. अब ये जो फीलर्स हैं जो हमने देखा इंसेक्ट्स के, सॉरी कॉकरोच के हेड के ऊपर, वो उनको हम एंटेनास भी कहते हैं और फीलर्स भी कहते हैं. और ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इंसेक्ट्स इनको अपने इर्द गिर्द की चीज़ें महसूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब हम फिश का देख लेते हैं. सम फिश लिव इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स. कुछ मछलियाँ ताज़े पानी की झीलों या दरियाओं में रहती हैं. सम फिश लिव इन सॉल्टी सी वाटर. कुछ मछलियाँ नमकीन समंदर के पानी में रहती हैं, यानी समंदर का पानी नमकीन होता है और झीलों या दरियाओं का पानी मीठा होता है. तो मछलियाँ, कुछ मछलियाँ दरियाओं या झीलों वगैरह में रहती हैं और कुछ मछलियाँ समंदर के पानी में रहती हैं जो कि नमकीन होता है.
यहाँ पे आपको कुछ मछलियों की तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें मासीर है, ब्राउन ट्राउट है, सार्डीन है और ब्लैक मार्लिन। अब यहाँ पे आपको फिश के पार्ट्स बताए जा रहे हैं, मछलियों के पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फिश हैव फिन्स, स्केल्स, गिल्स एंड अ टेल। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फिन्स, स्केल्स, गिल्स एंड टेल। अब हम देखते हैं कि ये पार्ट्स क्या होते हैं। अब फिश के ऊपर आपको इस तरह से कुछ छोटे छोटे परों की तरह का नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट हो गया, ये हो गया, ये है, इनको हम कहते हैं फिन्स। क्या कहते हैं? फिन्स। और ये फिश की बैक साइड पे आपको इसकी टेल नज़र आ रही है। तो फिश के फिन्स और टेल ये सब मिलकर इसको तैरने में मदद देते हैं, यानी फिन्स और टेल फिश को हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि वो आसानी से तैर सके। अब इसके अलावा गिल्स क्या होते हैं और स्केल्स क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ें रह गई। तो स्केल्स आपको देखते हो कि फिश की स्किन के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, ये फिश के ऊपर मौजूद होते हैं, इनको हम स्केल्स कहते हैं। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे इसके स्केल्स हैं। अब स्केल्स की मदद से फिश क्या करती है, ये स्केल्स फिश की प्रोटेक्शन करते हैं, यानी फिश की हिफाजत करते हैं। इसके अलावा ये आपको फिश का ये एक यहाँ पे एक पार्ट नज़र आ रहा है इस तरह से, ये देखें, ये असल में फिश का, इसकी मदद से फिश सांस लेती है, तो ये कहलाता है गिल। ये क्या कहलाता है? गिल। तो गिल्स की मदद से फिश सांस लेती है। हमने देखा फिश के फिन्स, स्केल्स, गिल्स और टेल्स। अब देखते हैं फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। ये बात हम देख चुके कि अपने गिल्स की मदद से, गिल जो इसके यहाँ पे मौजूद होते हैं उनकी मदद से ये सांस लेती है, और इनके पास स्केलेटन भी होता है। स्केलेटन क्या होता है? फिश खाने के बाद उसके अंदर से जो सारी उसकी बोन्स निकल रही होती हैं, जिन्हें हम कांटे कहते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर हड्डियों का, वो स्केलेटन कहलाता है। आई होप कि आपको फिश के सारे पार्ट्स समझ आ गए हैं। उसकी स्किन के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं, फिन्स उसकी बॉडी पे मौजूद होते हैं, टेल उसकी बैक साइड पे मौजूद होती है, और फिन्स जो हैं वो उसके गिल्स जो हैं वो सांस लेने के लिए यूज़ करती है, और उसकी बॉडी के अंदर स्केलेटन भी मौजूद होता है। द लास्ट वन इज बर्ड्स। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स। परिंदों की बहुत सारी अकसाम मौजूद हैं। बर्ड्स हैव फैदर्स एंड विंग्स। परिंदों के पास पर होते हैं। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं। अब देखो इसके दो पार्ट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, फैदर्स और विंग्स। फैदर्स परिंदों के ऊपर जो आपको मुख्तलिफ पर उसके नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन विंग्स की मदद से परिंदा उड़ता है। एक तो वैसे ही उसके बॉडी पे कुछ फैदर्स मौजूद होते हैं, लेकिन विंग्स उसके वो दो, अब आप देखो बर्ड्स के पास दो टांगें होती हैं, ठीक है, बर्ड्स के पास दो टांगें होती हैं क्योंकि उनकी जो फ्रंट लेग्स होती हैं, यानी सामने वाली जो दो टांगें होती हैं, वो मॉडिफाई हो चुकी होती हैं उनके परों में, यानी दो उनके पास पर होते हैं, उनकी सामने की दो टांगें नहीं होती क्योंकि वो पर बन चुके हैं और वो उन परों की मदद से उड़ते हैं। तो उनकी सामने की दो टांगें नहीं होती, पीछे की दो टांगें होती हैं और दो उनके पर होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ परिंदों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। पीकॉक, यानी पीकॉक कहते हैं मोर को, कीवी एक बर्ड है, पैराकीट, आउल, ऑस्ट्रिच, स्पैरो, किंगफिशर, माइना, क्रो, ईगल। अब कुछ बर्ड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं और कुछ नहीं उड़ सकते, जैसे कि आप ऑस्ट्रिच को देख लो, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता, कीवी भी नहीं उड़ सकता, कुछ बर्ड्स इस तरह होते हैं। और बर्ड्स जो हैं, यहाँ पे आपको ये क्या नज़र आ रहा है आप मुझे बताएं, यहाँ पे एक दरख्त के ऊपर एक नेस्ट है, यानी एक घोंसला बना हुआ है, और घोंसले के अंदर उसके अंडे पड़े हुए हैं किसी बर्ड के, किसी परिंदे के। तो परिंदे क्या करते हैं, घोंसलों के अंदर जाकर अंडे देते हैं जिनके अंदर से उनके बेबीज निकलते हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों टॉपिक्स, फिश, बर्ड्स और इंसेक्ट समझ आ गए होंगे। आज का आपका होमवर्क यह है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1-2 करना है अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सबसे पहले डेट डालेंगे रेड लाइन पर क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ एनी 3 वाइल्ड एनिमल्स। आपने 3 वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिखने हैं, कोई भी 3 आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स ठीक होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लायन, टाइगर और फॉक्स लिखे हैं।
याद रखिएगा कि एक पेज पे एक क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन नंबर टू आपने नेक्स्ट पेज पे करना है, राइट द नेम ऑफ एनी थ्री काइंड्स ऑफ फिश, तीन तरह की फिश के किसी भी तीन फिशेस के नाम आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे शार्क, जेलीफिश और मासीर लिखा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।